पलमाड़ किश्तवाड़ निवासी ठाकुर जनक सिंह जी, जो वर्तमान में काफी वर्षों से हमारे गोरखानगर के निवासी हैं, उन लोगों ने, इन्होंने ठाकुर साहब ने तो एक उदाहरण सेट कर दिया है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कोरोना के साथ हमने लड़ना है, इसे डरना नहीं है। और यकीनन 90 वर्ष की आजू में जिस तरीके से मजबूती से संघर्ष लड़के, जंग लड़के, कोरोना को मात देकर ये बिल्कुल स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर पहुंचे हैं, ये हम सब के लिए प्रेरणा है। यकीनन हम सब के लिए आदर्श बने हैं ठाकुर जनक सिंह जी। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम अक्षरशा पालन कर रहे हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी चाहे रूप धारण कर चुकी है, लेकिन हमने इसे डरना नहीं है, हमने इसे लड़ना है। ये जिंदगी की जंग हम लोग जीतेंगे क्योंकि हम मजबूत मानसिकता के लोग हैं। और यकीनन ठाकुर साहब ने जिस तरीके से बताया है कि मैं परवाह नहीं किए बिना ही मैं आगे बढ़ा हूँ, मैंने अभी सिंगल डोज वैक्सीन लिया था, अभी दूसरे डोज की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, उससे पहले ही मैं लड़के बाहर आया हूँ, यकीनन कईयों के लिए ये प्रेरणा है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी इनकी 90 वर्ष आयु है, ये अपने 100 वर्ष भी पूरे करें, परिवार के बीच में तंदुरुस्ती से रहें। और देखिए घर आने के बाद बेटियों में, बहू में, बेटों में, कितनी पोतों में, पोतियों में कितनी खुशी की लहर है कि हमारे बुजुर्ग, खासकर आजकल के दौर में जब 30-32 साल के नौजवान अपनी जंग हार रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं, हालांकि लड़ाई लड़नी है, कोई भी मरने का शौकीन नहीं होता है, लेकिन ये ऐसा रूप धारण कर चुकी है कि जब ये ग्रस्त हो जाती है तो ये लड़ने में व्यक्ति को कमजोर करती है। लेकिन जिस तरीके से ठाकुर जनक सिंह जी लड़े हैं, ये प्रेरणा है। मैं सैल्यूट करता हूँ इनके जीवन को, इनकी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इनकी लंबी आयु हो और ये सेहतमंद होकर जैसे पहले हम सबसे मिलते थे आगे भी मिलें। और यकीनन कोरोना के साथ जो हमारी लड़ाई है वो और भी मजबूती से। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।